नमस्कार, मेरा संदीप है। और टेकिंग अपशॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले 2019 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे इस साल आप अपने गोल्स को या तो मीट कर लें या फिर उनकी तरफ पहला स्टेप लें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि 2019 का पहला वीडियो है ये टेक्निकल गपशप में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2018 की अपनी वो गलतियां जो मैंने यूट्यूब पर की, और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन गलतियों से हमें क्या सबक मिलता है। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी गलतियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं एंड तक का, जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में बताया है या फैमिली के बारे में बात की है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो शुरू करते हैं मेरी गलतियों से। तो मेरी पहली गलती है कि मैं यूट्यूब पर 2018 में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था, मतलब रेगुलर नहीं था। और ये कहीं से कहीं तक जिंदगी के किसी भी पहलू में आपकी मदद नहीं करता अगर आप उस प्लेटफॉर्म में या फिर उस फील्ड में कंसिस्टेंट ना हो। मतलब कहने का यह है कि अगर आप पढ़ते भी हैं हफ्ते में 25 घंटे, रोज के 5 घंटे, तो आपको वो कंसिस्टेंट रखना है जब तक आप अपना एग्जाम क्लियर ना कर लें। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक दिन 25 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया और अगले कुछ महीने तक आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा। इससे आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे और हो सकता है कि आप एग्जाम में या अगर आप ये तैयारी करें किसी इंटरव्यू के लिए तो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं। तो ये थी मेरी पहली गलती कि मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं था, और इस साल से ये चेंज होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को चेंज किया है अपनी ज़िंदगी में यूट्यूब पे रेगुलर होने के लिए। क्यों? क्योंकि जो परिवार है हमारा 66,000 फैमिली मेंबर्स का, इसके प्रति मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये मैं जानता हूँ। तो रेगुलर होऊंगा मैं इस साल, ये एक पूरी गारंटी है मेरी। और मेरी दूसरी गलती थी कि मेरे वीडियोज़ का कोई स्केड्यूल नहीं था, कोई टाइम नहीं था। मतलब एक वीडियो रात को 10 बजे आ रहा है, एक रात के 3 बजे आ रहा है, एक सुबह के 5 बजे आ रहा है। तो इवन दो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता भी होगा तब, और शायद भगवान की दुआ से भी लगता होगा, तो आप उससे एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि संदीप भाई आज रात के 10 बजे वीडियो डालेगा या सुबह के 3 बजे डालेगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जहाँ पर मैंने नहीं देखा ये, और मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और इस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा। इसलिए अब जो भी वीडियो अपलोड होंगे टेक्निकल गपशप में वो शाम के 6:30 से 7:30 बजे के बीच में अपलोड हो जाएंगे, और धीरे धीरे शायद हम एक टाइम इसमें फिट कर लें। अब ये जो बात है जो आपको टाइमली होना है, स्केड्यूल करना है, ये आपके हर जगह काम आएगा, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे इंटरव्यू हो, और चाहे वो किसी सामने बोलना हो, किस टाइम पे क्या बात बोलनी है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही यूट्यूब पर एक स्केड्यूल या एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आना चाहते हैं तो अपने वीडियोज़ के लिए एक टाइम बनाएं, ताकि अगर आपके व्यूअर्स आपके वीडियोज़ का वेट कर रहे हैं तो उनको एक टाइम में वीडियो मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी तीसरी और सबसे बड़ी गलती है कि मैं हमेशा परफेक्शन चाहता हूँ अपने वीडियोज़ में, जो कि नहीं अटेन कर सकते हम। क्योंकि जो मेरे लिए होता है परफेक्ट ना हो, वो मेरी बीवी के लिए या आपके लिए परफेक्ट हो, या जो किसी और के लिए परफेक्ट हो, मेरे लिए परफेक्ट ना हो। तो इसलिए आप परफेक्शन के पीछे मत भागिए जब आप यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं। एज लॉन्ग एज आपका वीडियो जो भी मैसेज है उसको डिलीवर कर रहा है, आपकी उसमें नॉलेज लगी है, मेहनत लगी है, तो परफेक्ट है वो। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया अपना कलर करेक्शन में, ऑडियो को ठीक करने में, या जो भी। तो ये गलती है मेरी, यहाँ पर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं बोल रहा आपसे, पर आप परफेक्शन की तरफ हो जाइए कि हर एक नुक्ता चीनी आप देख रहे हैं कि ये काला रंग काला ही क्यों नहीं है, पूरा ग्रे क्यों आ गया, ऐसा। क्योंकि जहां आपने वो देखना शुरू किया तो आपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। अगर आप मेरी बात माने यहाँ पर तो 10 या 12 ऐसे वीडियोज़ हैं जो आज तक कभी आपने देखे भी नहीं, और ना ही मेरी हिम्मत हुई पोस्ट करने की, क्योंकि मेरे हिसाब से वो वीडियोज़ परफेक्ट नहीं है, और मेरी वाइफ के हिसाब से वो वीडियोज़ परफेक्ट है यूट्यूब पर आने के लिए। समर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका कनाडा में, कल जो वीकेंड आने वाला है, जो सैटरडे संडे और ये मंडे है, ये लॉन्ग वीकेंड है, तो वेकेशन तो बनती है बॉस। तो कल हम जा रहे हैं ग्रुप अपने दोस्तों के साथ एक कॉटेज वेकेशन में, और उसके लिए हम करेंगे कुछ शॉपिंग अभी वॉलमार्ट से। तो चलते हैं वॉलमार्ट और करते हैं कुछ शॉपिंग। देखो एक कैदी भागने की कोशिश कर रहा है। What are you trying to, open it? ना रे, इतनी नहीं। All right, shopping पूरी, तो मिलते हैं कल सुबह।
destination. फाइनली पहुंच गए अपने कॉटेज में यार, बहुत सुंदर लोकेशन है ये कॉटेज है, उसके पीछे लेक है और चारों तरफ से जंगल है, मतलब जैसा होना चाहिए ना कि वेकेशन का टाइम और वेकेशन की प्लेस वो है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉटेज और लोकेशन, मस्त लोकेशन है, लेट्स सी। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप परफेक्शन के पीछे मत भागिए। अच्छी बात है कि आप परफेक्शन पाना चाहते हैं, लेकिन अगेन आपकी परफेक्शन की डेफिनेशन किसी और की परफेक्शन की डेफिनेशन अलग हो सकती है। आप एक परफेक्ट वीडियो बना सकते हैं और लोग उसमें भी बोलेंगे कि परफेक्ट नहीं है या बहुत सारी कमी निकाल देंगे। तो आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने वीडियोस को, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करिए और आप देखेंगे कि आपका जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है या आपको YouTube पर सक्सेस मिल रही है। तो ये थी मेरी कुछ गलतियां जो मैंने YouTube पर की और इसके साथ मेरी गलतियों का सिलसिला यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन मैं अब आपके सामने एक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ फैमिली को लेकर। फैमिली जो है हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना हो सके अपना टाइम आप फैमिली के संग बताइए, उनको टाइम दीजिए, क्योंकि फैमिली एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली है। जब आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा तो आपकी फैमिली खड़ी होगी, ये गारंटी है मेरी। That's it, इतने था आज के इस वीडियो में। आपके कंटिन्यूस प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू गाइज आर ऑसम। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।